गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, मैं यहाँ अपने मायके आ रही हूँ, ये आप लोगों को मैंने बताया था। और मैं आज आपको दिखाती हूँ यहाँ का सुंदर व्यू, जो देख सकते हो आप लोग। और इस धूप में तो मेरी आंखें तक भी नहीं खुल रही है। कैंडी कैंडी, देखो कैंडी कैसे दिख रहा है गाइस, टहल रहा है। कैंडी कैंडी इधर देख, कैंडी कैंडी कैंडी, कनू क्या कर रहा है? कैंडी कैंडी की बॉल कहाँ गई? बैट के नीचे चली गई कैंडी की बॉल। अब वो निकालेगा अपनी बॉल, भाग गया ले अपनी बॉल लेके। गाइस, मेरी बहन लड़ी निकाल रही है, अब दिवाली हो गई है तो लड़ी निकालना ही है। और ये मैंने इसको कहा है कि इतनी लड़ी निकाल दे तुम, तो ये काम कर रही है। चलो तब तक हम कुछ यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। तो देखो गाइस, कितना हरा भरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर मतलब मुझे तो बहुत सुकून मिलता है ऐसे हरियाली देख के, हरे भरा पेड़ देख के। हम पहले लैंसडाउन रहते थे, वहाँ भी ऐसे देखने को मिलता था। कितनी अच्छी लोकेशन दिख रही है यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरा भरा। अभी तो इतना हरा भरा है नहीं कि लोगों की फसल उसल कट चुकी है, वरना बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस टाइम पे गेहूं लगे रहते हैं ना, इतना अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है जैसे तो दोस्तों, ये हमारे थी लोड़के इस बार इतने ही में फर्स्ट बार लगाए मेरी मम्मी ने। अभी हम नए नए आ रखे हैं यहाँ, तो फर्स्ट बार मम्मी ने लगाया। और ये देखो आप, ब्लैक वाइट दोनों मिक्स फूल हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं खाना खाने जा रही हूँ और ये लंच है। और मेरी सिस्टर ने बनाया है ये पुलाव, और मैं देखती हूँ ये कैसा हो रहा है। वैसे वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब मैं इसे खा के आपसे तब बात करती हूँ। और मैंने इसमें ये मिर्च भी रखी है, वैसे मैं मिर्च खाती नहीं, पर मैंने इसमें रखा ऊपर से। मैंने कहा देखने में अच्छा होगा, पर मैं खा के देखूँगी कि कैसी हुई मिर्च। आज मेरे मिर्च खाने का मन कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा, सिस्टर को भी देती वीडियो में, पर वो कह रही है कि नहीं मुझे मत दिखाना, बल वीडियो में मैं नहीं आना चाहती। कह रही है बल जब तेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आऊंगी बल मैं। वो तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो आप मुझे जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं जल्दी, मैं बस यही चाहती हूँ। और प्लीज़ गाइस, मुझे गाइस आज मैं बना रही हूँ नींबू की कचगोली। ये नींबू हमें हमारे बगल पड़ोसी अमन ने दिए, वो लाया हमारे लिए ये नींबू, उससे मंगाए थे हमने। अब हम इसकी कचगोली बना रहे हैं और देखते हैं ये इसकी कचगोली कैसे होती है। तो आप भी आओ खाने। अब हम नींबू को छीलेंगे और हम इसे पहले अच्छे से छीलेंगे। थैंक यू अमन नींबू देने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद कि जो तुमने हमें नींबू दिए। और अगले बार आऊँगी तो फिर दोबारा देना। और अब मैंने छील चुके हैं नींबू, अब मैं चटनी भी बनाऊँगी। और क्योंकि चटनी बना के नींबू की कचगोली बहुत ही अच्छी होती है, और हरी धनिया मिर्च की चटनी बनेगी। तो गाइस, मैं अब रोटी बना रही हूँ। मेरी सिस्टर और काम कर रही थी, वो थक गई थी, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ रोटी। तो गाइस, ज़रूरी नहीं होता कि हम मायके में आ रखे हैं तो हम आराम से रहें बस। तो अगर हम कुछ कर ले तो इसमें कुछ बेकार नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारी मम्मी कर रही है, लगी है और हम आराम से रहें। इसलिए जब भी मायके में जाओ तो एकदम आराम ही के लिए नहीं, थोड़े अपनी मम्मी अपने भाई बहनों की भी हेल्प करनी चाहिए खाने में। ऐसे नहीं कि तुम मायके जाके बस लेटे रहो
कुछ काम ना करे तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरी जब दीदियाँ भी आती है तो वो भी करती है, वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर किसी को करना चाहिए मायके में जाके भी थोड़ा बहुत काम। मायका से आराम करने के लिए ही नहीं होता, अपनी मम्मी का भाई बहनों की हेल्प करने के लिए भी होता है। इसलिए आप मायके में जाओ तो नई नई डिशें अपनी भाई बहनों को बना के खिलाओ, जो तुम सीख रहे हो कुछ नया सीख के आए हो वो मायके में भी दिखाओ। और मेरी बहन काम कर रही थी, वो बिजी हो रही है, तो मैंने उससे कहा कि मैं बना दूंगी रोटी, तो और काम कर ले। तो वो बर्तन धो रही है और मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी उसने ही बनाई अभी। गाइज मैं अब आपको अपनी दिवाली की वीडियो बताती हूँ, और इसमें मैंने डांस किया है और मैंने फर्स्ट बार ये गाना सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखो मेरी इसी वीडियो के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करूँगी और आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगी। Thank you.